अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज आपको रिबॉन्डिंग करने का तरीका बता रही हूँ। मैं रिबॉन्डिंग जो कर रही हूँ वो क्यूने की रिबॉन्डिंग कर रही हूँ। सबसे पहले देखें बालों को, ओरिजिनल बाल इनके ये हैं। आप इसके फोर सेक्शन बनाए जा रहे हैं। बालों को पिन अप किया एक सेक्शन, दूसरा सेक्शन, किसी तरीके से भी आप लगा सकते हैं, कैचर से लगाएं या कटिंग पिन से आप लगा सकती हैं। तीसरा सेक्शन, अब चौथे सेक्शन से आपने काम स्टार्ट करना है। फोर्थ सेक्शन के बाद बाम क्रीम इस तरह अप्लाई करनी है कि कोई हेयर रह ना जाए। अच्छी तरह क्रीम इस्तेमाल करनी है। दूसरे को छोड़ो, क्यों मिला रही हूँ साथ? हाँ, मिक्स कर लेते। नहीं करना ना, आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह आपने सारे सेक्शन को इसी तरह बाम लगानी है। जब भी आपने बाम लगानी है सबसे पहले पीछे से स्टार्ट लेना, फ्रंट से स्टार्ट नहीं लेना। एक इंच छोड़कर आपने क्रीम अप्लाई करनी है। अच्छी तरह बालों को सारी क्रीम के अंदर मिक्स कर लेना, कोई बाल ऐसा ना रह जाए जिसको क्रीम ना लगे। इसी तरह ये तीसरा स्टेप लेने लगी हूँ रिबॉन्डिंग का। इसी तरह आपने तीसरा स्टेप जो मुकम्मल कर देना है। स्टार्ट कर लो पहले। ये देखिए नाज़रीन, चौथा स्टेप स्टार्ट हो रहा है और साथ ही ख़त्म हो जाएगा। हेयर्स को हमने वॉश कर लिया है, अब इसको हम कंडीशनर करेंगे, ठीक है? उसके बाद वॉश करेंगे और फिर ड्राई करेंगे। वॉश करके अब हम इनको ब्लो ड्राई कर रहे हैं। हमने ड्राई कर लिया है, अब इसको दोबारा से इन बालों के फोर सेक्शन बनाएंगे और हेयर को स्ट्रेट करेंगे विद आयरन। दूसरा सेक्शन इसी तरह दोबारा आपने स्टार्ट करना है। एक सेक्शन पूरा हो गया, इसी तरह दूसरा अप्लाई करना आपने। जी, अभी हमने जो है बालों को वॉश किया है और अब हम इनकी बिल्कुल बारीक बारीक लेयर्स बना के, ये देखें इस तरीके से स्टेप्स बना रहे हैं और इनको स्ट्रेट करना है, ठीक है? विद स्ट्रेटनर बहुत ही एहतियात से और बहुत ही आराम से, ये देखें कुछ इस तरीके से। आपने इनको स्ट्रेट करना है जब तक आप खुद सेटिस्फाइड ना हो जाएं, और तकरीबन आपने 5 times इसको, एक ही बालों को जो है वो बार बार आपने आयरन करते रहना है। अब हम नेक्स्ट स्टेप्स यूज़ करने लगे हैं। ये फर्स्ट स्टेप में हमने इनके बाल ड्राई करने के बाद हमने स्ट्रेटनर से स्ट्रेट कर दिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप करें। ये अब हम पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है, आप देख रहे हैं हमारे बालों को पहले स्टेप के बाद रिज़ल्ट। अब हम दूसरा स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हमने बालों को 2 parts में डिवाइड किया है। अब इनको मज़ीद 2 parts में डिवाइड करेंगे। तकरीबन इसके पहले जैसे पहला हमने किया था
उसी तरीके से हम लोग इसके फोर पार्ट्स बनाएंगे बालों के, फोर सेक्शंस। इक्वली डिवाइड करेंगे हम इनको, हर सेक्शन को। अब हमने ये हम जो है सेकंड स्टेप करने लगे हैं, ये हम फ्लैक्स अप्लाई कर रहे हैं बालों पे उसी तरीके से एक इंच के फासले के साथ, ठीक है, फुल नीचे तक। इसको आपने हाथों की मदद से जिस तरह आप कलर की एप्लीकेशन करते हैं उस तरह से रिबॉन्डिंग की एप्लीकेशन करनी है आपने, ताकि एक एक बाल आपका इसमें कवर हो, ड्राई ना रहे, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने हर लेयर को कॉम्ब के साथ स्ट्रेट करना है। जी नाज़रीन, ये देखें हमारी बॉन्डिंग कंप्लीट हो गई है, ये रिज़ल्ट आपके सामने है, बिफ़ोर एंड आफ्टर क्या हमारा फ़ाइनल रिज़ल्ट आपके सामने, अब आप देख सकते हैं। प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें।